चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन में लखनऊ पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारती है तो देश में भी इस पार्टी की हार निश्चित है। अगर अखिलेश जीते तो बंगाल और यूपी मिलकर उद्योग को बढ़ावा देंगे, हम एक साथ काम करेंगे। सीएम ने योगी पर निशाना साधा और कहा कि पहले माफी मांगे फिर वोट, आपने तो पानी में भी आग लगा दी। कोविड में मरे लोगों का अंतिम संस्कार के लिए आपके पास लकड़ी भी नहीं थी जो शवों को गंगा में बहा दिया, इसके लिए पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा रलाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा पूरी पूरा तरह, ये हमारा हक बनते हैं। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, अगर ये राज्य से बीजेपी गया तो बीजेपी देश से गया। आपको पहले पसंद करना है, आप बीजेपी का झूठा बोलने से वोट देंगे ना? वास्तविक में जो काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, आप उनका वोट देंगे। जब कोविड में लोग मरते थे तब योगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था, कोविड को हराने नहीं आया यूपी में आप, वो बात कभी आप मत भूलो। माफी मांगो, कितना आदमी को आप गंगा में भसा दिया, सुला दिया, उसको परिवार को देखने का मौका भी नहीं दिया। आज वो लोगों को अत्ता खड़ा है, वो लोग पूछ रहा है क्या योगी जी वोट चाहिए ना? हमारा आत्मा का दुख जो हुआ है उसको आप पहले निभाओ, हमको आग जल रहा है, आप पानी में भी आग जला दिया।